भोजपुर दर्शन न्यूज, खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। जदयू संसदीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता दिलीप कुमार के अनुसार जगदीशपुर के दावा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधान पार्षद राधाचरण शाह, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, प्रभुनाथ राम के अलावा जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने माला पहनाकर उपेंद्र कुशवाहा का भव्य रूप से स्वागत किए। उपेंद्र कुशवाहा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि घर फूटे जवार लूटे की कहावत के कारण बिहार पिछड़ा था, पर अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने पर भी बल दिया। स्थिति के लिए आप सब लोगों से आग्रह, पूरी मजबूती से काम कीजिए। पिछले चुनाव में जो हुआ सो हुआ, इतिहास की बात हो गई। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, आज की तारीख में जगदीशपुर में चुनाव हो जाए, उस समय उम्मीदवार भले हार गया हो, लेकिन इस बार 50,000 वोट से अभी चुनाव हो जाए, इसी जगदीशपुर में जीत सकते, आज की तारीख में जीत सकते। देखिए, गांव में एक कहावत है, गांव की कहावत है, इसलिए हम कह रहे हैं इसको दूसरे अर्थ में कोई आदमी नहीं लेना चाहिए। कहावत है, घर फूटे तो गवार लूटे। भैया, घर फूट गया था इसलिए ना गवार लूट लिया, अब घर में नहीं फूटेगा ना गवार लूटेगा कैसे? सीधी बात है। तो इसलिए अब कोई गणित की बहुत जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, सरकार भी बनती है, हम एमएलए भी बनते हैं, बनेंगे क्यों? उसी गरीब आदमी सरकार बनते रहे, बार बार बनते रहे, मुख्यमंत्री जी सब योजना बनाते रहे, और गांव का गरीब आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह गया, तो कोई मतलब नहीं है सरकार बनाए। इसलिए उस काम को करने की जरूरत, आप लोगों से यही आग्रह है कि उस काम को कीजिए, आगे आने वाले दिनों में और बेहतर से बेहतर बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं, अच्छा स्वागत के लिए, और रहना तो कल तक है इसी जिला में, तो फिर कहीं कहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज राधाचरण सिंह जी को सम्मानित करें।